नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूं फिर स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आप भी कहेंगे सर क्या टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि दोस्तों इस टॉपिक से आपके एग्जाम में हर बार एक या दो क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसलिए दोस्तों बड़े ध्यान से पढ़िएगा, कॉपी कलम लिए रहिएगा, जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लगे तुरंत नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों कब क्या हुआ, कौन कौन सा सम्मेलन हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले दोस्तों ये आपके हिस्ट्री 91 में कुछ बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस पीसीएस और यूपी टेट का, चलिए नंबर दिया गया है, कोई दिक्कत परेशानी तो कॉल कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की बात होगी दोस्तों, कौन कौन से सम्मेलन हुए, कब हुए और क्या कारण था इनका। पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन थे दोस्तों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो दोस्तों पर्यावरण से संबंधित सारी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि अब जो हमारा दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है वो कहाँ से पूछ लिया जा रहा है ये हमें भी पता नहीं, इसलिए सारी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, सर्वप्रथम ये कहाँ मनाया गया, आपका स्वीडन में मनाया गया। कहाँ मनाया गया स्टॉकहोम सम्मेलन, स्वीडन में मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया, 1972 में, वर्ष 1972 में मनाया गया। और क्या रीज़न था, क्या क्या ज़रूरत पड़ी, इसे पर्यावरण का मैकॉर्ड की संज्ञा भी दिया जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पर्यावरण का मैकॉर्ड की संज्ञा दी जाती है। और इसे संयुक्त राष्ट्र पर दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण कार्यक्रम UNP की स्थापना हुई थी दोस्तों। इस दिन क्या हुई थी, तो जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम था आपका UNEP दोस्तों, उसकी स्थापना हुई थी। और 5 जून को इसी समय दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ था। जो हम 5 जून को दोस्तों पर्यावरण दिवस मनाते हैं, तो इसी दिन हम दोस्तों क्या लिए थे, संकल्प लिए थे कि 5 जून को हम क्या करेंगे, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा भाई इस दिन दोस्तों। तो ये था स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में, ये चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों हेलसिंकी सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ था, फिनलैंड में हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बस चीज़ें यही पूछी जा सकती है कि बताइए हेलसिंकी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आप बता सकते हैं कहाँ हुआ था, फिनलैंड हुआ था दोस्तों, फिनलैंड में हुआ था। ऑप्शंस आपके पास 3-4 और होंगे, पर आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। वर्ष कब हुआ था, 1974 में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में हुआ था। किससे संबंधित था, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना दोस्तों। जो समुद्र में हमारे, आप जानते हैं कि समुद्र में दोस्तों कई गंदगियां होती हैं, समुद्र में कई गंदगियां मानव के द्वारा फेंकी जाती हैं, कई गंदगियां जाती हैं दोस्तों। और उनको रोकने के लिए, उसे किस प्रकार से हम समुद्र को साफ कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसकी स्वच्छ कर सकते हैं, स्वच्छता पे ध्यान दिया जाए, किस प्रकार से क्या कार्य किए जाए, तो उन सब सारी चीज़ों के बारे में, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के बारे में हेलसिंकी सम्मेलन में बात हुई फिनलैंड में दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों लंदन सम्मेलन। लंदन सम्मेलन आपका हुआ था, किस वर्ष में हुआ था, 1975 में हुआ था। क्या रीजन था, क्या कारण था, क्या हुआ, कि क्या किया गया उसमें, तो समुद्री कचरे के निस्तारण का विषय दोस्तों, जो समुद्री कचरे थे दोस्तों, जो समुद्री कचरे होते थे, कि किस प्रकार से इसका निस्तारण किया जाए, किस प्रकार से इसका निस्तारण किया जाए दोस्तों, किस प्रकार से इसको कम किया जाए और किस प्रकार से ये समुद्र को स्वच्छ बनाया जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि समुद्र में के जो जीव जंतु होते हैं दोस्तों, कितनी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो सारे जीव जंतु, जो कि बहुत ही उपयोगी होते हैं। और दोस्तों वो जो जीव जंतु, उनकी सुरक्षा के लिए अगर समुद्र दोस्तों स्वच्छ है, तो वो जीव जंतु पर उसका इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है, और जीव जंतु से वो मानव पर इफेक्ट भी पड़ेगा दोस्तों। अगर जैसे हम जानते हैं कि अगर कोई मछली इफेक्टेड है दोस्तों, तो क्या करेगा, मनुष्य मछलियों को खाता है दोस्तों, तो क्या अगर मछली इफेक्टेड है, तो आप भी इफेक्टेड हो जाएंगे, मछली से वायरस आप में भी प्रवेश हो जाएगा, और आप भी दोस्तों क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, और भी कई चीज़ें आपको हो सकती हैं जो चीज़ मछली को हुई है दोस्तों। तो इस तरह से जब हम चीज़ों को स्वच्छ रखेंगे, तो दोस्तों हम भी स्वच्छ बने रहेंगे, पर्यावरण स्वच्छ बना रहेगा, और हमें कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, यूरोपीय वन्यजीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन कब हुआ था, 1979 में हुआ था। लिखते चलिएगा दोस्तों, कॉपी कलम लिए रहिएगा, जितनी बार लिखेंगे उतनी बार याद होगा।
1989 में हुआ था। यह क्या था? प्रजाति संरक्षण का प्रतिबद्ध था दोस्तों। क्या किया जाता था? प्रजातियों का संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध किया गया दोस्तों। तो ये चीज था इसमें यूरोपीय वन्यजीव में। और वियना सम्मेलन की बात की जाए, कहाँ था? ऑस्ट्रिया, न कि ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, जो वियना सम्मेलन हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था, न कि ऑस्ट्रेलिया। मार दीजिएगा दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ हुआ था वियना सम्मेलन? ऑस्ट्रिया में हुआ था। कब हुआ था सर? 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1985 में हुआ था। किस कारण हुआ था, क्या मोटो था, क्या उद्देश्य था, ये भी जानना बहुत ही आवश्यक है। आपसे पूछ सकता है कि वियना सम्मेलन जो कि ऑस्ट्रिया में हुआ था, उसका क्या उद्देश्य था 1985 में जो हुआ था? तो उसका उद्देश्य था दोस्तों ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता। दोस्तों जो हमारा ओजोन स्तर है दोस्तों, ओजोन स्तर है, उसको कैसे हम संरक्षण कर सके, उसको कैसे हम बचाव कर सके, इसके बारे में चर्चा चली आपके सम्मेलन, कौन से सम्मेलन? वियना सम्मेलन में। कि कैसे, किन कौन सी गैसें हैं जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं, कैसे हम उनका कम प्रयोग करें और उन गैसों से दोस्तों आपकी जो ओजोन लेयर्स हैं उनको अधिक नुकसान न करें। जैसे आप जानते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC दोस्तों ये हमारी सबसे ओजोन परत की हमारी दुश्मन मानी जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, जिससे जो हमारा ओजोन परत है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, छीड़ हो जाती है। ये गैस जैसे जो भी ठंडी चीज़ें हैं दोस्तों हम यूज़ करते हैं, AC हो गया, फ्रीज हो गया, तो ये चीज़ें दोस्तों ठंडा इन्वायरमेंट लाने के लिए या ठंडा करने के लिए, जैसे पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए हम लोग फ्रीज की अधिक यूज़ करते हैं, तो ऐसी चीज़ें जिससे कि उससे ठंडी चीज़ों से ही क्या निकलता है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ऐसी ही मशीनों से क्या निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो कि हमारे ओजोन परत को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है दोस्तों, छीड़ करता है। तो इसलिए वियना सम्मेलन में ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता की गई दोस्तों। नेक्स्ट है आपके मॉन्ट्रियल सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था दोस्तों। जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन था ये कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था, वर्ष 1987 में हुआ था। ओजोन परत के इसमें भी दोस्तों क्या उद्देश्य था इसका? तो ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जो हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए गए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता इसी के अंतर्गत हुआ। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था दोस्तों। क्या था प्रोटोकॉल? कि 16 सितंबर 1987 को हुआ था और परमार्थ 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का भी निर्णय लिया गया, कि भाई लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भाई ओजोन परत जो है छीण हो रहा है, जिससे कि बहुत ही नुकसान हो सकता है, जो समुद्र, जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे तक आएंगी, जिससे कि हमारी स्किन्स प्रॉब्लम हो सकती है, कैंसर्स हो सकते हैं, कई चीज़ें दोस्तों हो सकते हैं। लोगों को जागरूक किया जाए और उस जागरूक करने के लिए लोगों ने कहा कि 16 सितंबर को हम क्या मनाएंगे? ओजोन दिवस मनाया जाएगा। 16 सितंबर को हम क्या मनाएं? ओजोन दिवस मनाया जाए, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को ओजोन परत के छीड़ होने का कारण बताया जा सके और कैसे इसको बचा जा सके, कैसे इसको दूर किया जा सके, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। आपके मार्टियर सम्मेलन कहाँ? कनाडा में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? प्रश्न पूछ सकता है कि 16 सितंबर को जो ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया वह किस सम्मेलन में लिया गया, कब लिया गया? वह 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था, वहीं के लिया गया। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं मेरे दोस्तों, तो इसलिए रिवाइज करिएगा, लिखते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों रियो सम्मेलन, ब्राजील पृथ्वी सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष कब? 1992 में। वर्ष 1992 में सतत विकास हेतु एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। कब? 1992 में विकास 21 एजेंडा स्वीकृत किया गया। क्या मोटो था सर? क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना। किसकी स्थापना की गई भाई? संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC की स्थापना की गई। जलवायु परिवर्तन से जलवायु को किस प्रकार से स्वच्छ रखा जाए, किस प्रकार से दोस्तों उसका संरक्षण किया जाए, इसके बारे में आपका संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की क्या की गई? स्थापना की गई। कब की गई? ये आपका वर्ष 1992 ईस्वी में। कौन से सम्मेलन में? रियो सम्मेलन, यानी कि जो कि कहाँ मनाया गया? ब्राजील में मनाया गया, जिसे कि पृथ्वी सम्मेलन भी
कहा जाता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं, आप ले सकते हैं। अपनी हिंदी मात्र 299 में, वीडियो का बैच 199, पेट कॉम्बो 300, और ये सारी पुस्तकें आप ले सकते हैं। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, सारी पुस्तकें आप कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात की जाए न्यूयॉर्क सम्मेलन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा मेरे सारे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क सम्मेलन कब मनाया गया? सर वर्ष 1997 में मनाया गया। कब मनाया गया? वर्ष 1997 में आपका न्यूयॉर्क सम्मेलन मनाया गया। क्या उद्देश्य था सर, क्या इसका मोटो था, आइए जानते हैं। एजेंडा 21 को लागू करने संबंधी कार्यक्रम पर आम सहमति बनी दोस्तों। क्या बनी? एजेंडा 21 को लागू करने संबंधी कार्यक्रम पर आम सहमति बनी। जो एजेंडा 21 था उसको लागू किया जाए, इसके लिए सहमति बनी दोस्तों। और नैरोबी घोषणा पत्र, जो कि क्या सम्मेलन, जो कि कीनिया में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? कीनिया में हुआ। इसका वर्ष कब हुआ? यह 1997 में ये भी हुआ। कब हुआ? 1997 में उसी वर्ष ये भी हुआ दोस्तों। इसका क्या मोटो था? कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावकारी क्रियान्वयन बनाना। जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां थी उनको क्या किया जाए? प्रभावकारी बनाया जाए और क्रिया के रूप में लाया जाए, सारी चीज़ें लोग उनको माने, जो संधि हुई है हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच में, तो इनके बारे में संधियाँ जो हुई हैं उनको क्रियान्वित किया जाए। क्योटो प्रोटोकॉल, आपका पृथ्वी 5 सम्मेलन दोस्तों, ये कब मनाया जाता था? वर्ष 1997 में ये भी आपका मनाया जाता था। कब? वर्ष 1997 में मनाया गया क्योटो प्रोटोकॉल। इसका क्या मोटो था, क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती। जो ग्रीन हाउस गैसें थे दोस्तों, उनका जो उत्सर्जन हो रहा है उसमें क्या किया जाए? कटौती किया जाए, क्योंकि करके भूमंडलीय तापन को कम करना, क्योंकि इससे जो भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है दोस्तों वो क्या हो, कम किया जाए। और वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया कि भाई 1990 में 5% हमारी क्या होनी चाहिए, कटौती होनी चाहिए। कि कटौती का निर्णय लिया गया कि 5% कम से कम कटौती तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रीन हाउस का उत्सर्जन होता है दोस्तों, तो उससे क्या होता है, भूमंडल हमारे तापमान को क्या करता है, अधिक गर्म हो जाता है, तो इसलिए उसको क्या करता है, हमें कम करना है दोस्तों। इसलिए आवश्यक था ये पृथ्वी 5 सम्मेलन क्योटो प्रोटोकॉल। अब बात करते हैं सिएटल सम्मेलन दोस्तों। सिएटल सम्मेलन जो हुआ हमारा, कब हुआ सिएटल सम्मेलन? वर्ष 1999 में हुआ। कब हुआ सिएटल सम्मेलन दोस्तों? वर्ष 1999 में सिएटल सम्मेलन मनाया गया। वर्ष 1999, क्या मोटो था, क्या उद्देश्य था, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। कि विश्व व्यापार को पर्यावरण व सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया जाए। जो विश्व व्यापार हो रहा है दोस्तों, उसको ये किया जाए, जो हम व्यापार करते हैं वो भाई पर्यावरण के दायरे में किया जाए। किसके? पर्यावरण व सामाजिक नीतियों के दायरे में किया जाए, जिससे कि न कि पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़े, न सामाजिक नीतियों पर प्रभाव पड़े, और जो हमारा व्यापार चल रहा है वो सही रूप से चलता रहे, और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, और जो हमारी सामाजिक नीतियां हैं दोस्तों वो भी सुरक्षित रहे, उन पे कोई भी प्रभाव न पड़े, जिससे कि वो क्या हो, प्रदूषित हो, दूषित हो, ये चीज़ें हैं। इसका निर्णय लिया गया आपके कौन से सिएटल सम्मेलन में दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं माल्मो घोषणा पत्र दोस्तों। माल्मो घोषणा पत्र की दोस्तों, ये कब हुआ? ये वर्ष 2000 में हुआ। कब हुआ? वर्ष 2000 में हुआ दोस्तों। इसका क्या मोटो था, क्या उद्देश्य था सर? इसका उद्देश्य था पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार करना। क्यों भाई? जो पर्यावरण संरक्षण है भाई, जो हमारे निजी क्षेत्र हैं, उनको किस प्रकार से हम संरक्षित कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको संरक्षण हम प्रदान कर सकते हैं, उन पर विचार करना, उन पर थॉट्स प्रेजेंट करना कि भाई कैसे हम संरक्षित करें पर्यावरण से अपने निजी क्षेत्रों को। तो ये था दोस्तों आपका मेन उद्देश्य माल्मो घोषणा पत्र में, जो कि कब हुआ था? वर्ष 2000 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 2000 में हुआ था, याद रखिएगा मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका इंफोटेरा डब्लिन आयरलैंड। इंफोटेरा डब्लिन जो कहाँ हुआ था दोस्तों? सम्मेलन आयरलैंड में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। कब हुआ था सर? ये भी 2000 में ही हुआ था। सन 2000 में हुआ था
और इसका मोटो क्या था, पर्यावरण सूचना का विस्तार करने पर सहमति। जो पर्यावरण की सूचनाएं थी दोस्तों, उनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना है, इस पर सहमति दी गई कि हाँ बिल्कुल सही करें, पर्यावरण हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि पर्यावरण का स्वच्छ होना हमारे लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से दोस्तों अति आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, हम सभी जानते हैं दोस्तों। इसलिए ये चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। पर्यावरण सूचना का विस्तार करने पे हमें सहमति मिली। कब मिली? 2000 में। कब, किस उसमें? एफ्टोरा डब्लिन दोस्तों में, जो कि कहाँ पे मनाया गया, आयरलैंड में आपका वो हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपकी यूपी टेट की दोस्तों पुस्तक आ चुकी है आपके मार्केट में, प्राइमरी लेवल 1 से 5। आप सभी ये पुस्तक ज्वाइन कर ले सकते हैं मात्र 249 रुपये में। सारी जानकारियाँ दी गई हैं। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कोई भी चार्ज नहीं है लगना है आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं जोहान्सबर्ग रियो डन सम्मेलन दोस्तों, पृथ्वी टेन सम्मेलन दोस्तों। जोहान्सबर्ग जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? वर्ष 2002 में हुआ था। कब हुआ था सर? 2002 में हुआ था। क्या मोटो था इसका, क्या उद्देश्य था? इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, क्वेश्चन बन सकता है कि किस सम्मेलन को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, तो हमारा प्रश्न होगा जोहान्सबर्ग, हमारा आंसर होगा जोहान्सबर्ग रियो प्लस 10 सम्मेलन को द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। क्या मोटो था सर, क्या उद्देश्य था, जानना बहुत ही आवश्यक है। सतत विकास पर विशेष बल, कि भाई विकास पे, डेवलपमेंट पे अधिक बल दिया जाए। किस प्रकार से हम अपने देश का विकास कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, इन पे अत्यधिक बल दिया जाए, इन पे सोच किया जाए, विचार किया जाए, ये चीज थी दोस्तों। और गरीबी उन्मूलन, और मोटो था कि गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति दोस्तों, कि जो भाई जो गरीबी उन्मूलन हेतु है उसके लिए विश्व में एकजुटता कोष की स्थापना पर भी सहमति प्रदान की गई दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन, कि भाई कब हुआ आपका स्टॉकहोम सम्मेलन? याद रखिएगा दोस्तों, स्टॉकहोम सम्मेलन आपका वर्ष 2004 में हुआ। कब हुआ? वर्ष 2004 में। क्या मोटो था इसका, क्या उद्देश्य था सर? इसका उद्देश्य था सर कि 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंध करने पर सहमति मिली। जो दोस्तों 12 खतरनाक जैव कीटनाशक थे उन पे, और औद्योगिक प्रदूषक जो थे दोस्तों, उनको क्या किया गया, प्रतिबंधित करने पे, रोक लगाने पे दोस्तों, करने पर सहमति प्रदान की गई कि हाँ भाई इनको रोक लगा देना चाहिए, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक हैं, ये पर्यावरण को अस्वच्छ कर सकते हैं, ये पर्यावरण को हानि पहुंचा सकते हैं। जब पर्यावरण को हानि होगी तो मनुष्य को भी हानि होगी, जीव जंतुओं को हानि होगी, सभी को हानि होगी। तुरंत शीघ्र, अति शीघ्र इन पे क्या कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए, इनको प्रतिबंधित कर दिया जाए। वही हुआ दोस्तों आपके स्टॉकहोम सम्मेलन में, जो कि कब मनाया गया, 2004 में मनाया गया। कितने खतरनाक जैव कीटनाशक थे? 12 खतरनाक जीवनाशक दोस्तों थे, याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज है बहुत ही वो है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉन्ट्रियल सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था दोस्तों। जो मॉन्ट्रियल सम्मेलन था कहाँ हुआ था, कनाडा में हुआ था। कब सर हुआ था, किस वर्ष हुआ था? 2005 में हुआ था। वर्ष 2005 में हुआ था। क्या था मोटो, क्या उद्देश्य था इसका? विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक, विकसित देशों 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना और वर्ष 1990 के स्तर तक लाने पर सहमति दी थी दोस्तों। 1990 के स्तर तक लाने पर क्या की गई, सहमति प्रदान की गई, भाई इसको किया जाए, किसी तरह से विकास किया जाए और विकसित देशों द्वारा 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाए दोस्तों। जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हो रही है बहुत ही अधिक मात्रा में, जिससे कि हमारा तापमान बढ़ता चला जा रहा है, उसे क्या किया जाए, कम किया जाए दोस्तों।
ये चीजें थी आपकी माइंड सम्मेलन कनाडा में जो हुआ था। अब बात करते हैं नुशा दुआ सम्मेलन दोस्तों, कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में हुआ दोस्तों। इंडोनेशिया में कब हुआ सर? वर्ष 2007 में हुआ। कब हुआ? वर्ष 2007 में हुआ। क्या मोटो था, क्या उद्देश्य था सर? उद्देश्य था कि ग्रीन हाउस गैसों की जो दोस्तों उत्सर्जन की जो दर है वर्ष 2005 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई इसको कम किया जाए। जो कि स्तर आपका 2005 तक था, वर्ष 2000 तक के स्तर पे लाने का उसको कि 2000 में जैसा स्तर था वैसा ही लाया जाए दोस्तों। तो ये चीज था, ये भी ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कम करने का वो था गैसों का, ये भी इसमें उद्देश्य था। नेक्स्ट था दोस्तों, ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, महाबचत ऑफर मात्र 1299। आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है, आइए कोपेनहेगन सम्मेलन जो कि कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन सम्मेलन जो कि कहाँ हुआ था? डेनमार्क में हुआ था। कहाँ हुआ? डेनमार्क में। किस वर्ष हुआ था सर? 2009 में हुआ था। पॉइंट नोट करते चलिएगा मेरे दोस्तों, कब हुआ था? वर्ष 2009 में हुआ था। क्या मोटो था, क्या उद्देश्य था? COP15 के इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में कितने परसेंट? 20% से 25% तक की कटौती का निर्णय लिया कि भाई जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है वो 20% से 25% उसकी कटौती की जाए, कम की जाए। कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना, ये भी उद्देश्य था इनका दोस्तों। आपके कोपेनहेगन सम्मेलन जो कि कहाँ? डेनमार्क में हुआ था। कब हुआ था सर? वर्ष 2009 में हुआ था। स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हमारे एग्जाम में दोस्तों कोई ही से भी कोई भी चीजें पूछी जा सकती हैं। हम हर तरह से तैयार हैं, पर्यावरण से संबंधित सारी चीजें हमें जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। कानकुन सम्मेलन जो कि कहाँ दोस्तों? मैक्सिको में था। कब हुआ? वर्ष 2010 में। और दोस्तों इसका क्या उद्देश्य था कि 100 अरब डॉलर से हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय किया गया। भाई 100 अरब डॉलर से जो हरित जलवायु है उसको और भी अधिक निर्मित किया जाए, स्थापित किया जाए और अच्छा बनाया जाए, ये उद्देश्य था आपके कानकुन सम्मेलन जो कि मैक्सिको में हुआ था वर्ष 2010 में। नेक्स्ट है दोस्तों, डर्बन सम्मेलन COP17 दक्षिण अफ्रीका में हुआ वर्ष 2011 में। क्या था? ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना प्रस्तुत करना। क्या था दोस्तों? जो ग्रीन क्लाइमेट फंड थी उसकी संकल्पना प्रस्तुत की गई आपके वर्ष 2011 में। नेक्स्ट है दोहा सम्मेलन COP18 दक्षिण अफ्रीका वर्ष 2012। क्लीन डेवलपमेंट CDM के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयत्न। क्या मोटो था कि भाई किसी भी प्रकार से जो प्रदूषण है, जो पोल्यूशन है उसे कम किया जाए, क्योंकि प्रदूषण मानव के लिए बहुत ही हानिकारक है। उससे दोस्तों होने वाले रोग, कैंसर, त्वचा कैंसर, सारी चीज़ें, मानसिक रोग, कई चीज़ें, आंखों का जलना बहुत ही दोस्तों हानिकारक होती हैं। कई ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं जो कि जानलेवा भी हैं दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि प्रदूषण हमारे लिए कितना हानिकारक है। तो क्लीन डेवलपमेंट, क्या दोस्तों? क्लीन डेवलपमेंट में आपका मोटो था दोहा सम्मेलन में जो कि वर्ष 2012 में था, और के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयत्न किया जाए। अब बात करते हैं वर्षा सम्मेलन की दोस्तों, COP19 जो कि पोलैंड में। कब? वर्ष 2013 में। ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर इसकी सहमति बनी कि भाई ग्रीन क्लाइमेट फंड हमें बनाना चाहिए, तो ये सहमति प्राप्त हुई दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं Rio 20 सम्मेलन ब्राजील, तो Pृथ्वी 20 सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2012 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन था। क्या था? संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया था, जिसे कि हरित व्यवस्था पर अत्यधिक क्या हो बल मिले दोस्तों, जैसे कि हमारी हरियाली बनी रहे, हरित पूरी चारों तरफ जो इन्वायरमेंट हो, हरा भरा इन्वायरमेंट हो, इस पे दोस्तों जोर दिया गया आपके Rio 20 सम्मेलन में। ये आपके दोस्तों UGC नेट पेपर का फर्स्ट पेपर, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं UGC नेट की उनके लिए बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीमा सम्मेलन COP20 पेरू में दोस्तों। कहाँ पे? पेरू में। वर्ष कब सर? 2014 में।
क्या मोटो था सर? मोटो था कि वर्ष 2070 तक, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया कि भाई जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हो रहा है उसे क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। पेरिस सम्मेलन COP 20 में फ्रांस में हुआ, कब हुआ? 2015 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, पेरिस सम्मेलन दोस्तों। क्या था इसका भी वही मोटो था कि कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि बनाई जाए कि भाई जो कार्बन उत्सर्जन है उसे कम किया जाए और कानूनी रूप से बाध्य किया जाए। जो लोग इसको नहीं समझ रहे हैं, जो लोग इस संधि को नहीं मान रहे हैं, उन्हें कानूनी रूप से बाध्य किया जाए और कहा जाए इस संधि को आप मानिए और कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु प्रयास करिए। ये था दोस्तों। नेक्स्ट है बाब इगली सम्मेलन दोस्तों, जो था आपका मोरक्को, वर्ष कब? 2016 में। हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मार्केस कार्रवाई की उद्घोषणा प्रस्तुत की गई। इसमें क्या किया गया कि हमारी जो जलवायु है उसकी सतत विकास करने के लिए मार्केस कार्रवाई की उद्घोषणा की गई दोस्तों, प्रस्तुत की गई। अब बात करते हैं बान सम्मेलन की, कॉप जर्मनी दोस्तों 23 में, 2017 में फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया सर? फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन इसमें प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई पुस्तकें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी ले सकते हैं अपने कंपटीशन के लिए। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, एक बार लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, एक दो बार ज़रूर पढ़िएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, कोई भी सम्मेलन पूछा जा सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।